आज के इस वाले धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक मार्वल के ही बहुत बड़े कंफर्मेशन के बारे में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सोनी के ही स्पाइडरवर्स के एक प्रोजेक्ट के कंफर्मेशन के बारे में, जिसको आप सभी ने थंबनेल पर और टाइटल पर ऑलरेडी देख ही लिया होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वेनम 3 के बारे में। तो क्या है सभी बिहाइंड द सीन या फिर इस मूवी का क्या ही प्लॉट हो सकता है और इसमें हमें कौन सा ही विलन देखने को मिलेगा, सभी चीजों के बारे में पूरा ही डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इस वाले वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, सॉरी वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। ऑनेस्टली कहूँ तो वेनम 2 के क्रिटिक्स रिव्यू को देखने के साथ साथ, और मूवी इतनी ज्यादा घटिया थी इसको भी देखने के साथ साथ, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा था कि वेनम 3 को मुझे देखने का मौका मिलेगा। लेकिन गेस व्हाट, स्टूडियो ने इस चीज का कंफर्मेशन कर दिया है कि हमें वेनम 3 की स्टोरी देखने को मिलेगी 2024 में। और ये भी नहीं कि इस चीज का सिर्फ उन्होंने कंफर्मेशन ही किया है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐड किया है कि मूवी की ऑलरेडी प्रोजेक्ट काम में चल रही है, यानी कि मूवी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है जो कि डायरेक्टली 2024 में देखने को मिलेगी। और वापस से वेनम 2 की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मुझे मूवी को देखते हुए सिर्फ ऐसा ही लगा था कि पोस्टर सीन को ही दिखाने के लिए मूवी को पूरा बनाया गया था, क्योंकि आप भी अगर इस मूवी को नोटिस करें तो मूवी में देखने के लिए इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं था। और वैसे भी इतने बड़े इम्पैक्टफुल विलेन को लाने के साथ साथ उसको कचरा कर दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्नेज के ही बारे में, जो कि कॉमिक बुक में इतना तो ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मूवीज में जब उसको एडाप्ट किया गया तो वेनम ने एक झटके से उसको खाते हुए उसको मार दिया था। लेकिन इसी वाले मूवी को ही ऐसा जो बनाया गया था, तो सिर्फ मुझे इस चीज का ही डर सता रहा है कि वेनम 3 को भी इस तरीके से कचरा ना कर दिया जाए, क्योंकि इस वाले मूवी के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोई विलन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जहां पर वेनम 2 की स्टोरी को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया बन जाता है कि हमें कोई दूसरा सिम्बियोट इसमें जो देखने को मिलेगा उसका नाम असल में टॉक्सिन होने वाला है, क्योंकि मूवी में ही हमने देखा था पैट्रिक मुलिगन के वही वाले ऑफिसर के अंदर ही एक सिम्बियोट चला जाता है, यानी कि हमारे कार्नेज का ही एक छोटा सा ऑफस्प्रिंग चला जाता है, जिसको हम कॉमिक बुक में अगर ढूंढने की कोशिश करें तो असल में वही वाला कैरेक्टर आगे जाकर टॉक्सिन बनता है, जो कि असल में टेक्निकली देखा जाए तो हमारे वेनम का ही ग्रैंड चिल्ड्रन होता है। और कॉमिक बुक में भी इसको कोई विलन की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है, बजाय इसके इसको एक एंटी हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया है। जहां पर पहले जब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था तब इसको विलन एक्ट करते हुए ही दिखाया गया था, लेकिन जब इसका बॉन्डिंग थोड़ा सा स्पाइडरमैन से होता है तभी के टाइम पर स्पाइडरमैन इस सिम्बियोट को समझाता है, यानी कि पैट्रिक मुलिगन को ही समझाता है और उसको ही अच्छे राह पर चलना सिखाता है, जिसके लिए ही ये आगे जाकर एक विजिलेंटी बनता है, ना कि कोई विलन बनता है। और मूवी में भी सेम सी चीज को अडॉप्ट किया जाएगा, जिसको कि रिपोर्ट्स ने ही कंफर्म किया है। तो ऐसे में हमारे पास वेनम 3 में दो सिम्बियोट निकल कर आते हैं जो कि एक अच्छे राह पर ही चल रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों का आमना सामना होना तो कहीं तक दूर दूर का ही सिचुएशन लगता है, लेकिन ऐसे में इनके ऑपोजिट कोई भी विलन नहीं नजर आ रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कार्नेज को दिखाया जाए कि वो असल में मरा नहीं था, बजाय इसके इसने कोई चालाकी से बचकर निकल गया था? और क्या वो वेनम 3 में भी विलन होता हुआ नजर आएगा, या फिर क्या वेनम 3 में हमारे स्पाइडरमैन को ही लिंक करवाते हुए कोई ऐसा स्टोरी लाइन दिखाया जाएगा जिसको कि हम फाइनली देखने के लिए तरस रहे थे? और वैसे भी वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये चीज टीज किया गया था कि वेनम के ही इसी वाले यूनिवर्स में एक सिनिस्टर सिक्स का ग्रुप भी टीज किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है वेनम 3 में भी इसी स्टोरी लाइन को थोड़ा बहुत लिंक बैठाया जाए, या फिर इसी चीज के रिलेटेड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती हुई नजर आए? इसके बारे में हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जैसे जैसे मूवी के बारे में थोड़ा थोड़ा विजन क्लियर होता जाएगा वैसे ही हम वीडियो बनाकर पटक देंगे। कमेंट सेक्शन तो खुला है, जहां पर आप भी आपकी फैन थ्योरी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में थोड़ी सी आपकी ओपिनियन भी दे देना, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर देना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। खैर, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।